महज 3 सेकंडों में यह पुल नदी में गिर गया। चंद पलों में हजारों करोड़ रुपए की लागत पानी में जमी दोज हो गई। साथ ही जमी दोज हो गया विकास के वो दावे जो नीतीश सरकार सालों से करती आ रही है। बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज अगुनावी गंगा नदी पर बन रहा फोरलेन पुल एक बार फिर धाराशायी हो गया। एक बार फिर इसलिए क्योंकि पुल गिरने की घटना दूसरी बार हुई है। पिछले साल भी 30 अप्रैल को पुल का एक हिस्सा नदी में गिर गया था। उसके बाद बीते रविवार को पुल का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया। 1750 करोड़ की लागत से बन रही पुल का 200 मीटर का सुपर स्ट्रक्चर देखते ही देखते गंगा नदी में मिल गया। पुल के पिलर नंबर 10, 11, 12 ताश के पत्तों की तरह ढह गए। इस हादसे में 2 गार्ड भी लापता बताए जा रही है, जिन्हें एसडीआरएफ की टीमें तलाश कर रही है। आपको बता दें, इस पुल के निर्माण का जिम्मा एसपी सिंगला कंपनी को सौंपा गया था, जो पुल का निर्माण कर रही है। खास बात यह है कि कंपनी का कहना था कि वो अगले महीने तक पुल को चालू कर देगी। आपको बता दें, यह पुल नीतीश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शुमार है, जिसका शिलान्यास सीएम नीतीश कुमार ने 23 फरवरी 2014 को किया था। यह पुल खगड़िया और भागलपुर जिलों को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है, जिसके लिए 1710 करोड़ की लागत तय हुई थी। इस पुल की लंबाई 3.160 किलोमीटर है, जबकि अप्रोच पथ की लंबाई करीब 25 किलोमीटर है। इस पुल के निर्माण से नेशनल हाईवे 31 और 80 को जोड़ा जाना था। पिछली बार के हादसे के बाद अब इस पुल का 80% निर्माण कार्य पूरा हो गया था। यहां तक कि अप्रोच रोड का भी 45% काम पूरा हो चुका था। हालांकि नीतीश सरकार इस हादसे के बाद मामले की लीपापोती में जुट गई है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का कहना है कि पुल में खामियां थी, जिस वजह से इसे गिराया जा रहा है। तेजस्वी ने कहा कि पिछले साल भी इस पुल का हिस्सा गिर गया था, जिसके चलते अब इस पुल को गिराया गया है। जो हुआ है अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ, जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा और 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा है? और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, एक साल पहले की बात है। अब फिर जब दो हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। 30 अप्रैल 2022 को आंधी आने के कारण से जो सुपर स्ट्रक्चर का जो सेगमेंट था वो गिरा था, और आप सब लोगों को पता होगा उस समय हम विपक्ष के नेता रहे, ऑपोजिशन लीडर रहे, और हमने इस पे सवाल उठाए थे। यानी हम लोगों को शंका थी, उसलिए कई जो इसमें सेगमेंट्स थे हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया, और पियर नंबर 5 का जो था उसको IIT रुड़की का है, उसमें रिपोर्ट भी आना है। यानी पहले से ही हम लोगों को शंका थी कि इसमें डिजाइन में फॉल्ट है, उसलिए काफी स्ट्रक्चरल चीजें जो है तोड़े गए, और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके। लेकिन तेजस्वी यादव के इस बयान को कितना सही माना जाए, क्योंकि पुल निर्माण एजेंसी अगले 2 महीनों में इसे शुरू करने का दावा कर रही थी। कंपनी का कहना था कि अगले 2 महीनों में सुपर स्ट्रक्चर और अप्रोच रोड तैयार हो जाएगा। ऐसे में लालू के लाल की इन बातों को कितना सही माना जाए, और अगर सही मान भी लिया जाए तो इतनी हजारों करोड़ की लागत से बनने वाले पुल में पहले ही मानकों को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि पुल का निर्माण 2015 से चल रहा है, जो उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। ऐसे में जब ड्रीम प्रोजेक्ट का यह हाल, तो बाकी योजनाओं के बारे में क्या कहा जाएगा? उधर इस पुल के गिरने के बाद प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है। प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर निशाना साधा है। नीतीश कुमार की सरकार, पुल ध्वस्त हो रहा है और नीतीश कुमार की सरकार मस्त होकर देश घूम रही है। आज भ्रष्टाचारी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है, और नीतीश कुमार जी को थोड़ा सा भी नैतिकता बचा है तो तुरंत इस्तीफा करना चाहिए। हालांकि हादसे के एक साल बाद ही पुल का ढहना सरकार पर कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि अभी तो यह पुल शुरू भी नहीं हुआ था। अगर यह पुल चालू होता तो इससे हुई क्षति का अंदाजा लगाना भी मुमकिन नहीं था।
ओडिशा के रेल हादसे के बाद यह दूसरा हादसा बड़ी लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि जब इस पुल का हिस्सा पहले ही गिर चुका था तो सरकार ने उस समय कड़े कदम क्यों नहीं उठाए थे। जरूरी था कि सरकार पुल बना रही एमपी सिंगला कंपनी पर कार्रवाई करती, क्योंकि जितनी लागत से यह पुल बनाया जा रहा था उसमें पहले ही सभी मानकों को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया। आखिर क्यों विशेषज्ञों की टीम सलाह नहीं ली गई, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता तो शायद हजारों करोड़ रुपए की लागत जलमग्न नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी।